जी, यहाँ पे देखिएगा सेकंड मैसेंजर एक्सोडस फाइनल सीन एंटर फ्रॉम द पैलेस सेकंड मैसेंजर, पैलेस से एक सेकंड मैसेंजर एंटर होता है, सेकंड मैसेंजर एल्डर्स ऑफ थीबस मोस्ट ऑनर्ड इन दिस लैंड, वो कहता है ओ एल्डर्स ऑफ थीबस मोस्ट ऑनरेबल सिटीजंस ऑफ दिस लैंड व्हाट ऑर्डर्स आर योर्स टू सी एंड हियर, वो कहता है यू हैव टू सी एंड हियर मोस्ट टेरिबल थिंग What weight of sorrow to be endured, and you have to hear great sorrows. तुम्हें बहुत ज़्यादा sorrows बर्दाश्त करने पड़ेंगे. If true your birth, if as true patriots you love the family of your kingship. But यहाँ पे family of your kingship, वो कहता है अगर तो तुम true patriots हो और तुम अपने family of your kingship से मोहब्बत करते हो, you venerate the line of labda cause. तो तुम जो हो लैबडा कोस की लाइन यानी कि उसकी जनरेशन से अगर तो तुम जिसे कहना चाहिए वेनरेट करते हो, उससे बिलोंग करते हो, आई थिंक नाइदर एस्ट्रोस नॉर फैसिस, ये दोनों रिवर्स के नेम है. वो कहता है आई थिंक नाइदर ऑफ द टू रिवर एस्ट्रोस एंड फैसिस कुड वॉश, वो कहते हैं दोस ग्रेट रिवर्स को प्यूरिफाई दिस प्लेस ऑफ करप्शन, कि ये प्लेस ऑफ करप्शन को शायद कभी प्यूरिफाई कर सके. इट शेल्टर्स नाउ और सून मस्ट ब्रिंग टू लाइट, और वो कहता है कि अब जो है इसको ब्रिंग टू लाइट मतलब इसको कभी भी वो वॉश नहीं कर सकेंगे, लेकिन इट शेल्टर्स नाउ, लेकिन अब इसको शेल्टर करना है और सून मस्ट ब्रिंग टू लाइट, लेकिन सब कुछ मतलब हमें वाजे करना है. इवल नॉट डन अनकॉन्शियसली, इवल जो है वो कभी भी अनकॉन्शियसली डन नहीं होता, बट बाय विलिंग विल, यानी कि वो विलिंग से. तो यू विल सून सी इवल डन नॉट अनअवेयर्स बट विलिंगली, इवल जो है वो विलिंगनेस के साथ होता है, अनविलिंगली नहीं होता. द ग्रेटेस्ट ग्रीव्स आर दोज वी कॉज आवरसेल्फ, आवर ग्रेटेस्ट सोरोज आर दोज व्हिच वी ब्रिंग अपॉन आवरसेल्फ, ठीक है. हमारे जो ग्रेटर सॉरोज होते हैं वो होते हैं जो कि हम अपने ऊपर लेकर आते हैं. शरगोस श्योरली फ्रेंड वी हैव ग्रीफ एनफ ऑलरेडी, श्योरली फ्रेंड हमारे अंदर वी हैव ऑलरेडी सॉरोज एनफ, बट न्यू सॉरो डू यू मीन, अब कौन सा नया सॉरो है जो तुम हमें बताने जा रहे हो. सेकंड मैसेंजर को वो कहता है, सेकंड मैसेंजर द क्वीन इज डेड, क्वीन जो है वो मर चुकी है. शरगोस जो कैस्टर डेड बट एट हूज हैंड, लेकिन उसको किसने किल किया. Second messenger, the horror of what happened. Her own, she killed herself. The full horror of what happened. और वो कहता है कि वो actually उसको horror of उस horror ने उसको kill कर दिया कि ये क्या हो गया. You cannot know, और you cannot know the exact horror of what happened. कि तुम अब जो exact horror of what happened है ये भी तुम नहीं जान पाओगे. For you did not see it. But I who did will tell you as clearly as I can how she met her death. बल्कि वो कहता है for you did not see it, तुम लोगों ने इसको देखा तो नहीं है, but I who did, लेकिन मैं जो कि देख चुका हूँ, will tell you, मैं तुम्हें बताऊंगा as clearly as I can how she met her death, कि उस वो किस तरह से उसने अपने आप को kill किया है. When she had left us, जब वो हमें छोड़ के गई, in passionate silence में, passing through, she passed the cold courtyard, she ran to apartment in the house, ran into her private room, her hair clutches by the fingers of both hands. So clutching her hair in both her hands, she closes the door behind her, उसने अपना दरवाजा बंद किया, and by that bed where long ago the fatal son was conceived, और वो बेड जो के फेटल बेड ऑफ हर डेड हस्बैंड, जो उसका बेटा जो है जहां उसने वो कंसीव किया था, यानी कि ईडिपस को जिस बेड पे उसने कंसीव किया था, द सन हु शुड ब्रिंग अबाउट हिज फादर्स डेथ, वो बच्चा जो कि उसके फादर की डेथ का बायस बना, वो कंसीव हुआ था. वी हियर्ड हर कॉल अपॉन लॉयस, तो हमने देखा कि वो लॉयस को कॉल कर रही है, डेड सो मैनी, तो she started wailing, calling upon Lois, and we wail, और फिर कहती है and heard her wail for the double fruit of her marriage, और वो double fruit यानी कि terrible consequences of her marriage जो है, double fruit of her marriage यानी कि वो जो है double fruit किस तरह से था कि her first husband
और जो उसके बाकी चिल्ड्रन थे ऑफ दैट सेकंड हस्बैंड ईडिपस, वो जो है इसके टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हर मैरिज को वेल कर रही थी. Exactly how she died, I don't know. For Oedipus, the burst in the morning and would not let. और Oedipus जो है वो फट जल्दी से अंदर जाता है in crying and would not let us keep to vigil into the end and not allow us to stay there. It was by him as he stormed about the room. Or we looked at him as he raced about in room that our eyes were caught from one to another. Of us we went. और he asked, मतलब वो कहता है कि we looked at him as he raced about in room. और फिर जो है वो कहता है and as stormed about room that our eyes were caught from one another. हम एक दूसरे को देख रहे थे. Of us he went, कि वो चला गया. Begging a sword, वो एक sword मांग रहा था. Cursing the wife को curse कर रहा था who was not his wife, जो कि उसकी wife नहीं थी बल्कि उसकी माँ थी, the mother whose womb had carried his old children. उस मदर को वो कर्ज कर रहा था जिसकी वॉम ने उसके चिल्ड्रन कैरी किए थे एंड हिमसेल्फ, और उसको भी. आई डोंट नो इट वाज नन ऑफ अस एडेड हिम, वो कहता है कि मैं नहीं जानता लेकिन हम में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका. बट श्योरली वन ऑफ द गॉड्स वाज इन कंट्रोल, लेकिन श्योरली जो है बाय द हेल्प ऑफ वन गॉड्स मतलब वो जो है कुछ कंट्रोल में आया. फॉर विद द ड्रेडफुल क्राई ही हर्ड हिज वेट, और एक ड्रेडफुल क्राई के साथ जो है वो उसने अपना अपने आप को काबू किया. एज दो रेस्ट आउट हिमसेल्फ ही हर्ड हिज वेट, उसने उसको हर्ड हिज वेट अपना अपने आप को संभाला. एंड दो रेस्ट आउट हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को क्या कर लिया, रेस्ट आउट कर लिया, उसने अपने आप को अंधा कर लिया. एज द ट्विन डोर्स द बोल्ड गेव एंड ही रश्ड इन, और वो कहता है जैसे ही द बोल्ट ऑफ डोर गेव और किंग जो है अंदर गया. एंड देयर वी सॉ हर हैंगिंग, और जैसे ही हमने वहां पे उसको देखा कि वो जो है क्वीन जो है वहां पे हैंग हुई हुई है, यानी कि वो उस लटकी हुई है, हर बॉडी स्विंग फ्रॉम द क्रूअल कॉर्ड, और वो फंदा जो है रस्सी जिससे वो लटक रही थी, शी हैज नूज्ड अबाउट हर हेड, जो कि उसने अपनी टाइड कर ली थी अपने नेक के इर्द गिर्द. अ ग्रेट सॉब ब्रोक फ्रॉम हिम, एक ग्रेट जो सोप थी यानी कि एक पाइसन स्क्रीम थी जो कि अटर हुई फ्रॉम हिम, यानी कि किंग ने हार्ट ब्रेकिंग टू हेयर, उसके लिए जो है ये हार्ट ब्रेकिंग था. द किंग अटर्ड अ पाइसन स्क्रीम, किंग जो है वो बहुत जोर से चीखा. एज द लोड एज ही लोड द बॉडी डाउन, एज ही लूज द रोप एंड लोड हर टू द ग्राउंड, के जैसे ही वो जो है उसको उसकी उसने रोप निकाली और उसको उसने ग्राउंड पे लिटाया. आई वुड ब्लॉट आउट फ्रॉम माई माइंड, कि काश कि मैं ये सब कुछ अपने ब्लॉट आउट फॉर गुड फॉरगेट कर जाऊं, मैं भूल जाऊं, काश कि मैं सब कुछ भूल जाऊं. व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, फॉर द किंग राइव फ्रॉम हर गाउन द गोल्डन ब्रोच, किंग ने उसके गाउन से गोल्डन ब्रोचेस जो है उनको निकाला, उनको खींचा. That were her ornaments, जो कि उसके ornament थे, and raises them, उनको उभारा, and plunk them down straight into his own eyeballs, और उसने अपनी आँखों में वो दोनों जो है brooches जो है वो घोंप डाले. Crying no more shall you look on misery about me, और वो ये चिल्लाते चिल्लाते उसने अपनी आँखों को घोंप दिया. Jabbled them straight into his own eyes, crying, my eyes, you shall never see the misery around me. ठीक है कि अब तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम मजीद मिजरी देखो. ऑर्डर ऑफ माई ऑन डूइंग, और वो अपनी आंखों से कहता है कि तुम मेरी अपनी डूइंग के ऑर्डर्स को अब कभी देख नहीं सकोगे. टू लॉन्ग यू हैव नोन द फेसेस ऑफ दोज हुम आई शुड नेवर हैव सीन, और वो कहता है कि टू लॉन्ग द फेसेस आई शुड नेवर हैव सीन द फेसेस ऑफ माई इलेजिटिमेट चाइल्ड, कि तो अब जो है वो फेसेस जो कि मेरे इलेजिमेटेड चाइल्ड के हैं वो तुम कभी नहीं देख सकोगी. आई शुड never have seen, मैं उनको कभी देख नहीं सकूंगा. Too long being blind to those whom I was searching, और मैं उनके लिए blind हो जाऊंगा जो कि मुझे ढूंढ रहे थे. From his or go to darkness, और वो कहता है कि from now onwards you will be surrounded by the darkness, यानी कि अब वो आंखों को कहता है अब तुम हमेशा के लिए dark हो जाओगी. And he spoke, और फिर वो कहता है
ही स्ट्रक एट हिज आईज नॉट वंस बट मेनी टाइम्स. वो कहता है कि उसने अपनी आंखों को एक दफा नहीं जैबल किया बल्कि कई दफा उसने जैबल किया. एंड द ब्लड स्पैटर्ड हिज बियर्ड, और वो जो ब्लड था उसने उसकी बियर्ड को स्पैटर कर दिया, सोक कर दिया. बर्स्टिंग फ्रॉम हिज रूइंड सॉकेट्स लाइक रेड हेयर, और जो है उसकी जो सॉकेट्स थी ऑफ हिज आईज वो जो है इस तरह होगी जैसे रेड smearing all his red, यानी कि उसकी तमाम की तमाम beard जो है वो red hail की तरह हो गई. So from the unhappiness of the two, यानी कि यहाँ पे man and women की बात कर रहा है. So from the unhappiness of two, this evil was sprung. और वो कहता है the sorrow of these two, man and women, has brought his curse upon them, a curse on man and women alike. ये curse थी man और women दोनों के ऊपर. The old happiness of the house of Labdacus. Labdacus yani ke wo kehte hai ye jo old happiness thi house of Labdacus, ye Labdacus ka house tha, was happiness enough. Uski jo tamam was happiness enough come to end. Unki happiness ab end ko aayi. Where it is today, jo ke aaj yahan pe